भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रिमूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित सज्जनों, आए इस प्रभात की शुभ सात्विक वेला में आपके समक्ष कुछ भगवत श्रुति की चर्चा रखें। परमपिता परमात्मा की जो वाणी है वह वेद है, और परमपिता परमात्मा ने अपनी वाणी के माध्यम से मनुष्य मात्र को प्रत्येक वेद मंत्र में कुछ न कुछ उपदेश दिया है, आदेश दिया है, संदेश दिया है। परमपिता परमात्मा ने वेद मंत्रों में अनेक उपमाओं के माध्यम से इस मनुष्य को सुधारने का उपदेश दिया है। उपस्थित सज्जनों, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, माहिर भूर्मा प्रदा कुर नमस्ता आता ननरवा प्रेही घृतस्य कुल्या उपहृतस्य पथ्यानु। तो यह यजुर्वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र में उपमा के माध्यम से बताया है, और उपमा भी परमपिता परमात्मा ने वह दी है जो प्राणी हमारे सहजात हैं, जो प्राणी हमारे साथ में ही रहते हैं। वेद भगवान कहता है, ए मनुष्य अहि मा भू, तू सांप मत बन। और फिर अगला उपदेश और भी सुंदर दिया और कहा, ए मनुष्य तू बिच्छू मत बन। मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था इस मंत्र पर, परमपिता परमात्मा ने उपदेश क्यों दिया। वास्तव में सर्प में कौन से दुर्गुण होते हैं जो इंसान के अंदर नहीं होने चाहिए। जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो सर्प में प्राय दो अवगुण पाए जाते हैं। पहला अवगुण यह है कि जो सांप होता है वह हमेशा टेढ़ा होकर के चलता है। लेकिन याद रखो, सांप चलता तो टेढ़ा है, लेकिन जब अपने घर में प्रवेश करता है, जब बिल में घुसता है, तो वहां पर सीधा होकर ही घुसता है। लेकिन ये मनुष्य ठीक इसके विपरीत है, ये सब जगह तो सीधा होकर के चलता है, लेकिन जब अपने घर में आता है, समाज में आता है, तो वहां पर टेढ़ा होने से नहीं चूकता। उपस्थित सज्जनों, तो मैं आपको बता रहा था कि सांप के अवगुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए प्रवर देव दयानंद ने पाप की परिभाषा करते हुए लिखा, जो हम रोजाना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का पाठ करते हैं, उन मंत्रों में जो अंतिम मंत्र है अग्नि नय सुपथा, तो उसमें अंत में दो शब्द आते ऐनह और जुहराणम। ऐना कहते हैं पाप को, जुहराणम कहते हैं टेढ़े होने को। तो वहां पर ऋषि दयानंद किया, हे परमपिता परमात्मा, आप हमको कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म से दूर कीजिए। तो पता चला, कुटिल होने का नाम पाप है, टेढ़े होने का नाम पाप है। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। मन और वाणी और वचन से अलग होना, अर्थात हमारी कथनी और करनी में अंतर होने का नाम ही क्या है, पाप है। अब बहुत से लोग हमने संसार में देखे, सज्जनता की चादर ओढ़ी हुई है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, और वे कहते हैं, महाशिव जी कहते हैं, झुक कर नमस्ते करते हैं, लेकिन जब दाव लगता है तो बिच्छू बनकर डसते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा से हमने पहली प्रार्थना की, हे प्रभु, सर्प के दुर्गुण हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। याद रखो, संसार में हम
प्रेम बांटेंगे तो प्रेम ही प्राप्त करेंगे। ये संसार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम किसी से घृणा करेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप घृणा ही प्राप्त करेंगे। हम किसी से स्नेह करेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप स्नेह ही प्राप्त करेंगे। इस संसार में एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं टॉलस्टॉय। उन्होंने बहुत सुंदर एक जगह आख्यान लिखा और रूस के रहने वाले थे और अपने समय में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। वे लिखते हैं संसार के लोगों को समझाने के लिए, कहते हैं एक बहुत बड़ा शीशे का महल था, चारों तरफ उसमें शीशे ही शीशे लगे हुए थे और एक कुत्ता उसमें घूमने के लिए आया और कुत्ता जैसे उस शीशे के महल में प्रवेश करता है तो उसे शीशे के अंदर अपनी परछाई के रूप में बहुत सारे कुत्ते दिखाई देते हैं। अब कुत्ते में ये स्वाभाविक दुर्गुण होता है कि वह अपनी बिरादरी के लोगों को देख करके जला करता है। किसी गली का कुत्ता किसी गली में आता है तो बेचारे का ऐसा स्वागत करते भौंक भौंक कर, फिर वह दोबारा आने की कोशिश नहीं करता। तो इसको कहते हैं स्वे जाति द्रोह, अपने भाइयों को देख करके जलना। अब वह कुत्ता जैसे ही शीशे के महल में उसने प्रवेश किया तो उसे 20 कुत्ते दिखाई देने लगे। अब उसने कहा अरे इन दुष्टों ने मेरा पीछा यहां भी नहीं छोड़ा, देखता हूं इन्हें। बस क्रोध में आकर उसने पूंछ अकड़ाई तो शीशे में जो परछाई दिख रही थी उन सबकी भी पूंछ अकड़ ली और सोचने लगा अच्छा तो ये मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, अभी बताता हूं इन्हें। बस फिर उस कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया तो 20 कुत्ते उसे हमले करते हुए नजर आए और वह कुत्ता बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। ये कहानी का एक पक्ष हुआ। आगे टॉलस्टॉय लिखते हैं, कहते हैं उसी महल में एक दूसरा कुत्ता भी घूमने आ गया, लेकिन इस कुत्ते का स्वभाव उस कुत्ते से भिन्न था। उसने देखा परछाई में बहुत सारे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं और फिर विचार किया अरे ये भी तो मेरे भाई हैं, जब इस महल में घूमने का मुझे अधिकार है तो इनको क्यों नहीं है, और फिर इतने बड़े महल में अकेले घूमने में आनंद भी नहीं आएगा, साथियों के साथ ही आनंद आएगा। बड़े प्रेम के विचार उनके अंदर संचारित हुए और वह कुत्ता उस महल की परिक्रमा लगा करके आराम से घूम करके निकल जाता है। तो टॉलस्टॉय कहते हैं संसार के लोगों, यह संसार क्या है, संसार शीशे के महल की तरह है। यदि हम पहले कुत्ते की तरह किसी से ईर्ष्या करेंगे घृणा करेंगे तो बदले में क्या पाएंगे, घृणा पाएंगे। और यदि संसार के लोगों को उनका अधिकार देंगे, प्रेम करेंगे, सौहार्द करेंगे, भलाई करेंगे, कल्याण करेंगे तो संसार में हम प्रेम और कल्याण ही पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था वेद भगवान ने कहा अहि मा भू, ए मनुष्य तेरे अंदर सर्प के गुण नहीं आने चाहिए। और सांप में दूसरा अवगुण होता है, जब किसी व्यक्ति को यह समाप्त करना चाहता है क्या करता है, दो दांत चुभते ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, द्वेष होता है तो बदला लेने का दूसरों के साथ समय का इंतजार करते हैं और जैसे ही समय आता है कोई गलती कर देता है हमारा, जिससे बनती नहीं है जिस व्यक्ति से, उस पर हम हावी हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वेद मंत्र कहता है ऐ मनुष्य इस प्रकार के भाव भी तेरे अंदर उत्पन्न नहीं होने चाहिए। उपस्थित सज्जनों, आगे परम पिता परमात्मा ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, जहां ये उपदेश दिया कि मनुष्य तू सांप मत बन, आगे दिया तू बिच्छू मत बन। मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, भाई पहले तो सांप के विषय में कहा, फिर कहा बिच्छू मत बन, क्योंकि सांप में तो बिच्छू की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा जहर होता है। फिर भी अंतर क्या है, तो याद रखना सांप में हजारों गुना तो जहर होता है लेकिन जब भी वह भूमि पर चलता है तो अपना फंटे करके चलता है, और बिच्छू जब भी चलता है बिंदु मात्र जहर होता है उसमें, बूंद मात्र, पूंछ अकड़ा करके चलता है।
अर्थात घमंड का प्रतीक है, वह अभिमान का प्रतीक है, वह अहंकार का प्रतीक है। इसलिए ऐ मनुष्य, तेरे पास बेशक कुछ भी क्यों ना हो, तेरे पास बहुत धन है, तेरे पास बहुत बड़ा पद है, तेरे पास बहुत सारी विद्या है, लेकिन तू किसी पर भी कभी भी घमंड मत करना। और विद्या पर तो कभी घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या इंसान को नम्रता देती है। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा होता है, जो जितना बड़ा विद्वान होता है, वह उतना ही नरम होता है। फलीनः वृक्षा नमन्ति, फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, और जो सूखे वृक्ष होते, ठुंठ जो होते, वे हमेशा अकड़े हुए रहते हैं। तो अकड़ किसकी पहचान है? अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, इंसान की पहचान नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, स्वाभिमान छोड़ना नहीं चाहिए और अभिमान करना नहीं चाहिए, ये संसार में जीने का तरीका है। तो मैं आप बता रहा था, बिच्छू मत बन। कहते हैं पंचतंत्र में हमने कहानी पढ़ी, मुझे याद आ रही है, बड़ा आनंद आएगा आपको भी सुन करके। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, कहते एक राजा था और उसके यहाँ एक मंत्री थे, और मंत्री बहुत ही प्रत्युत्पन्नमति थे, बुद्धिमान थे, और मंत्री एक प्रकार से सारे राज्य के सर्वासर्वे थे। जो कुछ भी मंत्री कह देता था, राजा उसके लिए कभी भी मना नहीं करते थे। उपस्थित सज्जनों, एक बार क्या हुआ कि मंत्री जी ने अपने नगर में राजा की तरफ से एक भोज का आयोजन किया, एक लंगर का आयोजन किया, लोग आ रहे हैं और भोज खा करके लंगर छक करके जा रहे हैं, आना जाने इस प्रकार बना हुआ है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद यह हुआ कि राज्य के कर्मचारी, और कर्मचारी भी कौन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, फोर्थ क्लास के कर्मचारी वहां पर आ गए, वो भी पंक्ति में भोजन खाने के लिए बैठ गए। उसी समय शहर के गणमान्य लोग, बड़े लोग आ गए। मंत्री जी ने कहा कि भाई आप उठ जाओ, इनको पहले खाने दो, आप तो फिर बाद में खा लेना। उपस्थित सज्जनों, उन्हीं फोर्थ क्लास के कर्मचारियों में एक जमादार भी था, झाड़ू लगाने वाला भी था। उसे मंत्री जी का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और मनी मन में कहने लगा, अरे मंत्री जी, जैसे आज ये बड़े लोग तेरे मेहमान हैं, वैसे ही हम भी तेरे मेहमान हैं, हम भी बुला तेरे यहाँ बिना बुलाए नहीं आए हैं। और उसने मनी मन में योजना बनाई और सोचा, इस अपमान का बदला मैं जरूर लेकर के रहूंगा। उसने योजना बना ली और प्रातः काल महलों में झाड़ू लगाने के लिए गया, देखा राजा कुछ जागे हुए हैं, कुछ हल्के से सोए हुए हैं, वो योग निद्रा में है। तो उन्होंने बस सूत्र बनाकर बोलना प्रारंभ किया, इस राज्य में भी बड़ा अंधेर खाता है, इस मंत्री को कोई रोकने वाला ही नहीं है, ये महल की रानियों के पास बेखटके होके जाता है, उनसे मजाक करता है, बातें करता है, इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, इस प्रकार उन्होंने बोल दिया। अब राजा की एकदम आंखें खुली और कहने लगा, ओ जमादार, तू क्या बकरा है कि भाई क्या बात है? उनका महाराज आंखें मसलते उन कहा, रात में एक शादी में गया था महाराज, नींद में मेरे मुख से कुछ निकल गया होगा। अब राजा सोचने पर मजबूर हुआ कि भाई नींद में, स्वप्न में इंसान वही देखता है जो जागृत में देखता है, जो दिन में देखता है, यह हमारी बड़ी कमजोरी है, हमने मंत्री को खुला छोड़ा हुआ है, इस पर रोक लगानी चाहिए। कहते हैं उस मंत्री के सारे अधिकार धीरे 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 राजा ने छीन लिए और वह एक आम नागरिक बन गया। मंत्री का पद उसके पास नहीं था, मंत्री के पद से उसे पदच्युत कर दिया था। एक दिन मंत्री जी रास्ते में जा रहे थे, उसी रास्ते में से वह जमादार भी गुजर रहा था। अब मंत्री पर व्यंग्य करते हुए जमादार बोलता है, हे मंत्री जी, आप शहर में किसी भोज का आयोजन नहीं करते, आप क्या बात है? बस मंत्री जी का माथा ठनका, बुद्धिमान तो थे ही और समझने में देर नहीं लगी, भाई इस बिगाड़ के मूल में हो ना हो यही आदमी है। उन्हें याद आया कि एक बार की पंक्ति में हमने इनका अपमान कर दिया था। फिर वह सब परिवार शाम को जमादार के घर जाता है, हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगता है कि भाई कल मेरे यहाँ आप सपरिवार
भोजन करने के लिए आना। जमादार ने कहा हम तो छोटे लोग हैं, हम हमारी हैसियत कहाँ आपके घर भोजन खाने की, हम नहीं आएंगे। तो मंत्री ने कहा हे जमादार, क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे? इसका मतलब ये आपने मुझे माफ नहीं करा। कहते हैं छोटे लोगों से जब थोड़ा सा आदमी गिड़गिड़ाता है तो वह जल्दी पसी जाता है। तो उस जमादार ने कहा कि भाई कल हम शाम को सपरिवार आपके घर भोजन करने आएंगे। परिवार सहित भोजन करने गए, अच्छी प्रकार मंत्री और उसकी धर्मपत्नी ने सारे परिवार को भोजन कराया और वह जमादार प्रसन्न हो गया, उसको विदा किया। और विदा कर विदा होते समय वो जब जाने लगे तो मंत्री जी का, मंत्री जी अब आपने हमारे रोष का परिणाम तो देख लिया, लेकिन अब आप हमारी प्रसन्नता का परिणाम भी देखना। कहते हैं प्रातःकाल फिर झाड़ू लगाने के लिए गया और झाड़ू लगा रहा था, देखा राजा जी जागे हुए हैं, सोए नहीं है। फिर पहले की तरह सूत्र बोल दिए और इस बार क्या बोला, हमारे राजा जी बड़े विचित्र आदमी है, बड़े अजीब आदमी है, जो लैट्रिन में बैठे हुए ककड़ी खाते रहते हैं, जो लैट्रिन में बैठे हुए ककड़ी खाते रहते हैं तरह। तो हाँ, राजा जी एकदम विस्मित हुए और सोचने लगे अरे भाई हम नहीं, वो घर में सो रहे थे उस टाइम, ये बोला उन्होंने मंत्री। हाँ, जैसे आदमी उस योग, हाँ योग मुद्रा कहते हैं, जब आदमी पड़ा रहता बिस्तर में उसी जगह रहता है। अच्छा, मतलब उसको ये नहीं पता था कि राजा सो रहा है। उसे पता था भाई राजा कुछ सो रहे कुछ जाग रहे हैं, मेरी बात समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। हाँ ठीक है जी। हाँ तो कहा राजा जी बड़े विचित्र आदमी है, जो लैट्रिन में बैठते बैठे ककड़ी खाते रहते हैं। अब राजा ने सोचा अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, हमने तो कभी जिंदगी में बैठकर लैट्रिन में ककड़ी नहीं खाई, ये क्या बक रहा है। और उसने कहा अरे जमादार तू क्या बक रहा है, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। और फिर सोचने लगा ये तो बड़ा मूर्ख है, इस मूर्ख की बात सुन करके हमने मंत्री को उसके पद से हटा दिया था और सारे राज्य का कार्यभार अपने सिर पर ले लिया था। धीरे 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 उसने मंत्री के सारे अधिकार बहाल कर दिए, फिर से वह मंत्री बन गया, फिर राज दरबार में बैठने लगा। फिर मंत्री से जमादार मिलने जाते, महाराज कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई कमी रह गई हो तो फिर से मुझे आप बता देंगे। तो यहाँ पर विष्णु शर्मा पंचतंत्र में इस कहानी को लिखकर यही सिद्ध करता है, इंसान के पास कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो, धन हो, विद्या हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, कोई हुनर हो, कोई अभिमान हो, कुछ भी अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हरि सिंह उपाध्याय हरिओद ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी, वे लिखते हैं मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख मेरी में पड़ा, आंख लाल होकर दुखने लगी, लोग मूठ कपड़े की देने लगे, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया तब समझ ने मुझे यो ताने दिए, ऐठता तू किस लिए रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐ मनुष्य तू किस पर घमंड करता है, तेरे जीवन यही लीला समाप्त करने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। इसलिए वेद मंत्र ने कहा अहिमा भू प्रदा कुमा भू, ऐ मनुष्य तेरे अंदर सांप और बिच्छू के दुर्गुण नहीं आने चाहिए, तो बिल्कुल सरल हो जा, जैसे जल सरल होता है किसी भी पात्र में डाल दो वह उसी का आकार धारण कर लेता है, कभी भी तेरी वाणी से तेरी चाल से तेरे व्यवहार से किसी प्रकार अहंकार नहीं जलना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। तो परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता जी का स्वास्थ्य उत्तम हो और आप चारों भाई अपनी माता श्री की खूब सेवा करते रहे, क्योंकि दुनिया में परमात्मा के बाद दूसरा स्थान माँ और बाप का होता है। इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है लेकिन माँ नहीं खरीद सकता। मेरी भी माँ जब मर गई थी मैं पांचवी में पढ़ता था, अच्छा मुझे यही नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है। अच्छा, पांचवी पांचवी कक्षा। हाँ पांचवी में थे, हमारे पिताजी ने हमारा पालन पोषण किया, फिर हमें माँ की इसलिए याद नहीं आई क्योंकि हमारी दादी जी जीती थी, दादी जीती थी, ठीक है जी। जब मैं 20-25 साल का हो गया तब हमारी दादी जी गुजरी थी और हमारी दादी जी इतनी बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए उन्होंने हमें पाला और पोषा। तो आप माँ की खूब सेवा की, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, ओम शांति, धन्यवाद। ये तो मैं आज